नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ओप्पो A53 2020 वर्सेस नोकिया G20 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो ओप्पो A53 2020 में 6.45 इंच जबकि नोकिया G20 में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो ओप्पो A53 2020 में 2.96 इंच जबकि नोकिया G20 में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो ओप्पो A53 2020 में 0.33 इंच जबकि नोकिया G20 में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि ओप्पो A53 2020 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो ओप्पो A53 2020 में 186 ग्राम जबकि नोकिया G20 में 197 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि ओप्पो A53 2020 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ओप्पो A53 2020 में 82.87% जबकि नोकिया G20 में 81.39% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो ओप्पो A53 2020 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रॉन कैमरा देखने को मिलता है। और नोकिया G20 की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो ओप्पो A53 2020 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और नोकिया G20 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो ओप्पो A53 2020 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और नोकिया G20 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो ओप्पो A53 2020 में Adreno 610 जबकि नोकिया G20 में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो ओप्पो A53 2020 में Qualcomm Snapdragon 460 और नोकिया G20 में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो ओप्पो A53 2020 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि नोकिया G20 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो ओप्पो A53 2020 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि नोकिया G20 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो ओप्पो A53 2020 में अप टू 256GB जबकि नोकिया G20 में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ओप्पो A53 2020 में Android V10 Q जबकि नोकिया G20 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी ओप्पो A53 2020 में 5000mAh जबकि नोकिया G20 में 5050mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो ओप्पो A53 2020 में 3 कलर्स जबकि नोकिया G20 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो ओप्पो A53 2020 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,180 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,990 रुपीस में मिलता है। और बात करें नोकिया G20 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,290 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो A53 2020 में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें नोकिया G20 की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में नोकिया G20 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में ओप्पो A53 2020 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C11 है, दूसरा Moto G9 है, तीसरा Xiaomi Redmi 9 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco X3 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।